अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शदीद देसी रेसिपी जिसे कहते हैं मटन कुन्ना। ये मेरी अम्मी की खास रेसिपी है जो वो अक्सर दावतों में भी बनाती हैं और इसे कई लोग पसंद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुन्ना या पाए सर्दियों की खास डिशेज हैं, इसलिए लोग इन्हें सर्दियों में ही ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। अगर आप देसी फूड लवर हैं तो यकीनन आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। कुन्ना बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 दर्जन पाए ले लें, उसके बाद 3 फूल बादियान पायों में डाल लें। मोटी कटी प्याज या बारीक कटी प्याज इसमें शामिल कर लें। अब ये आप पर है, आप जिस तरह भी उसमें शामिल करें, दोनों तरीके ठीक हैं। उसके बाद पानी डाल लें, अच्छी तरह डूब जाए आपके पाए उसमें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लें। उसके बाद उन्हें उबालने रख दें। याद रहे पायों को नरम होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसे 6 से 7 घंटे उबालें। बार बार पानी ऐड करें, जैसे ही पानी खुश्क हो जाए दोबारा डालें और उस वक्त तक उबालें जब तक आपके पाए गल ना जाएं। यहाँ पर हमने पायों की सॉफ्टनेस चेक कर ली है, उसके बाद हमने उसे डिश आउट कर लिया है। पायों पर स्किन लगी हुई होती है, आप चाहें तो उसे उतार सकते हैं। मेरे घर वाले बगैर स्किन के पाए पसंद करते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम पायों की स्किन उतार रहे हैं। लेकिन आप बाजार में जहाँ भी पाए खाएंगे वहाँ पर आपको स्किन के साथ ही मिलेंगे। स्किन की वजह से आपका शोरबा थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा सा होता है, उससे भी काफ़ी टेस्ट बनता है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं खा सकते। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर स्किन उतार रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी स्किन के बगैर पसंद करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मटन के पायों की यखनी आ चुकी है, अब मैं उसको छान रही हूँ। छान कर प्याज को अलग कर दूंगी, फूल बादियान निकाल कर फेंक दूंगी और जो प्याज है उसको पीस कर एक पेस्ट बनाकर यखनी में शामिल कर दूंगी। यखनी को हम तेज आंच पर पका रहे हैं और अब हमने प्याज का पेस्ट उसमें शामिल करके मिला लिया है। यखनी में आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आप ग्रेवी के लिए चाहें। मेरे घर वाले ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं, इस वजह से मैं शोरबा ज़्यादा रखूँगी। एक प्याली में 6 चम्मच चाय के कॉर्नफ्लोर ले लें और उसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए, 1 कप के बराबर पानी डालते हुए उसको मिलाते रहें। उसको मिलाने के बाद उसमें चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे डालें और उस पानी को अच्छी तरह मिला के उस मिक्सचर को अपनी यखनी में शामिल कर लें। मिलाते रहें और शामिल करते रहें। यखनी में मिक्सचर डालते हुए चमचा चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी यखनी में कॉर्नफ्लोर के लम्स ना बने। इस बात का खास ख्याल रखते हुए आपको मुस्तकिल यखनी में चमचा चलाना है। यहाँ पे हमारी यखनी गाढ़ी हो चुकी है। जायका मज़ीद बनाने के लिए उसमें 2 चाय के चम्मच या हसबे जायका नमक शामिल करके मिला लें और अब अपने मटन के पाए उसमें शामिल कर लें। शामिल करके उसको ढक दें और थोड़ा पकने के लिए छोड़ दें ताकि आपके पायों में जायका भरपूर रच जाए। हल्की आंच पर ढक कर पकने के लिए छोड़ दें ताकि उसमें थोड़ी सी भी अगर कसर बाकी हो तो वो अब अच्छी तरह गल जाए। अच्छी तरह से दोबारा पकाने के बाद अपने पायों को चेक कर लें कि वो अच्छी तरह से अब गल चुके हैं। अगर वो गल चुके हैं तो आप अपनी मटन की ग्रेवी की तैयारी कर लें, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना। मटन के सालन के लिए आप 1 और आधा किलो मटन ले लें, 3 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लें, 5 चाय के चमचे धनिया पाउडर ले लें, 2 और आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 और आधा चाय का चम्मच नमक या हसबे जायका ले लें, ज़ीरा 2 चाय के चमचे और काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ले लें। दोनों ज़ीरों को एक साथ भूनकर एक साइड में रख दें। एक दरमियानी प्याज ले लें और उसे काट लें। उसमें 2 कप घी या तेल शामिल करें और उसको इतना पकाएं कि वो हल्की सुर्ख शक्ल इख्तियार कर लें। दो खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। अब अपना मटन का गोश्त इसमें शामिल कर लें और उसको इसमें अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसमें अपने तमाम मसाले शामिल करें, मसालों को अच्छी तरह मिला लें। हंडिया में थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि आपका गोश्त और मसाला नीचे से जले ना।
गोश्त को अब मसाले के साथ अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद उसमें इतना पानी ऐड करें जितना आपको शोरबा चाहिए। ज़्यादा शोरबा ना रखें क्योंकि आपकी यखनी का शोरबा भी इसमें शामिल होना है। तकरीबन 1.5 से 2.5 कप पानी डालने के बाद अब हमने गोश्त को ढक के दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया है। आधा किलो दही ले लें और उसको अच्छी तरह से फेंट लें। 10 से 15 मिनट बाद आपका गोश्त पक चुका होगा। अब उसमें अपनी फिटी हुई दही को शामिल कर लें। गोश्त इतना पके कि आपका गोश्त गल भी चुका हो। अगर आप पहले से ही शोरबे के लिए पानी शामिल कर चुके हैं तो दोबारा पानी मत डालिएगा। मैंने दोबारा पानी इसलिए डाला कि मुझे शोरबा कम लग रहा था। दही शामिल करने के बाद सालन को 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएं ताकि दही का जायका रच जाए। उसके बाद अपने पाए गले हुए मटन के शोरबे में शामिल कर लें। उसको एक दफ़ा और अच्छी तरह से दोनों को साथ पका लें और पकाने के बाद भगार की तैयारी करें। कुन्ने के भगार के लिए आप 1/2 कप घी ले लें या तेल ले लें, उसको गर्म कर लें, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा वरना आपके लाल मिर्च पाउडर को वो जला देगा। हल्का सा गर्म करने के बाद उसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करें और उसको अपने कुन्ने पर फौरी तौर पर डाल दें। आपका कुन्ना अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। उसको सर्व करें और गरम गरम खमीरी रोटी से मज़े से खाएं। कुन्ने के शोरबे में खमीरी रोटी को भिगोकर खाने का अपना ही मज़ा है। क्योंकि ये मेरे अब्बू की फेवरेट डिश है तो इसको मेरे अब्बू खा के भी दिखाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।